गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर मैथ्स यूनिट 1 बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। बिल्डिंग मीन्स इमारत, यानी मकान, स्कूल, कोई भी बिल्डिंग, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्डिंग। ब्रिक्स मीन्स ईंटें। वो तो हम सब जानते ही हैं कि बिल्डिंग बनानी होगी तो हमें ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, ऐसी एक स्टोरी दी होगी हमारी बुक में जो हम रीड करेंगे। चलो पहले, ब्रिक पैटर्न फॉर जागृति स्कूल, यानी एक स्कूल की स्टोरी है जो ईंटों के पैटर्न के लिए, जागृति स्कूल। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। यानी वो एक सच्ची स्टोरी है बच्चों स्कूल की, जो मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद में आई हुई, यानी वेस्ट बंगाल। When its building was being made, there was a plan to make the pattern on the floor and walls। यानी जब वो बिल्डिंग बनाई जा रही थी तब वहाँ एक आइडिया पूछा जा सकते, सबने ये डिसाइड किया कि उसके फ्लोर, यानी जमीन एंड वॉल, यानी दीवार पर हम ईंटों से पैटर्न बनाएंगे। आगे बच्चों, जमाल, कालू एंड पिया वेयर द मैसेज फॉर ब्रेक वर्क। जो ये तीन नाम है, जमाल, कालू, पिया, वो तीन वहां काम करने वाले कड़िए थे। They wanted to get new idea from the school building। उन्हें स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए नए नए आइडिया चाहिए थे, तो उन्होंने क्या किया? So they looked there other way to see the old town of Murshid Quli Khan। वो अपने फ्रेंडों के साथ मिलकर मुर्शिद कुली खान का जो जूना मकबरा है वो देखने के लिए वो सब गए। जो पिक्चर हमारी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में दी हुई है, सब देखो पहले उसे। दिस बिल्डिंग हैज अ बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रेक पैटर्न। वो बिल्डिंग जो है ओल्ड टाउन, उसका बिग फ्लोर यानी बड़ा फ्लोर, उसमें 2000 यानी 2000 ईंटों से एक पैटर्न बनाया हुआ है जो ब्यूटीफुल है, दिखने में बहुत अच्छी है। दिस वेज मेड बाय मेसन फ्रॉम ब्रेक अबाउट 300 ईयर अगो। वो किसने बनाई बच्चों? 300 साल पुराने मेसन यानी कड़ियों ने। तो बच्चों, हमें वो उसका पैटर्न दिया हुआ है 5 पार्ट्स में। लुक हाउ द ब्रेक आर अरेंज इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न। हमें 5 फ्लोर की पैटर्न दी हुई है, देखो टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पर फर्स्ट एंड सेकंड दी हुई है, और नेक्स्ट पेज के ऊपर 3, 4 एंड 5 तीनों दी हुई है। तो चलो बच्चों, उसके नीचे हमने एक क्वेश्चन किए हुए, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। तुम्हें इन 5 पैटर्न में से कौन से पैटर्न सबसे ज्यादा पसंद आया? जो भी पैटर्न तुम्हें पसंद आई वो फिलिंग द ब्लैंक्स में तुम्हें लिखनी है। जैसे कि 1 नंबर है तो 1 लिख लेना, 2 है तो 2, 3, 4, जो भी तुम्हें पैटर्न पसंद आई वो नंबर लिख लेना है। आगे बच्चों, हमें क्वेश्चन किया है, हैव यू सी सर्च पैटर्न एनीवेयर। क्या तुमने ऐसी पैटर्न कहीं और देखी है? तो सोचो कहाँ देखी है तुमने। तो आई हैव सी, क्या देखी है तुमने?
बच्चों अपने पैटर्न मॉस्क्यू में टेम्पल यानी मस्जिद है मंदिर। चलो हम आगे स्टोरी लेकर गए। द मेसन कम बैक एक्साइटेड। वो जो तीन कड़िए थे हमारे, क्या नाम बोले थे हमने, जमाल कालू एंड प्रिया, वो जब ऑल टॉम देख के रिटर्न आ रहे थे तब कैसे एक्साइटेड थे। जमाल से जमाल ने बोला, ओ इंदूर दे हैव मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग बैक पैटर्न, के वो पुराने दिनों में भी उन्होंने इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाए। वी हैड फॉरगेट दिस, हम तो भूल ही गए थे। लेट इट मेक सम नाइस डिजाइन ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल, हम भी अपने स्कूल में ऐसी यानी इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाएंगे। इस मेसन में डिफरेंट बैक पैटर्न। फिर आगे क्या हुआ, सब कड़ी जितने भी मेसन थे उन्होंने अपनी रीत से अलग अलग पैटर्न बनाना स्टार्ट किया। द स्कूल इज प्राउड टू हैव सच ब्यूटीफुल बिल्डिंग, आज भी वो स्कूल प्राउड फील कर रही है अपनी एक बिल्डिंग पर, ब्यूटीफुल बिल्डिंग पर वो स्कूल प्राउड फील कर रही है। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग और ई कैन ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न थिंग्स, वहाँ के बच्चे जब खेलते हैं गाते हैं तो वहाँ पर अपनी रीत से नए पैटर्न बनाते हैं। चलो बच्चों, यहाँ स्कूल की जो भी पैटर्न है वो हमें पेज नंबर 3 में बताई हुई है। कितनी पैटर्न है, ए बी सी से लेकर के तक की पैटर्न बताई है। तो ये पैटर्न के साथ साथ हमें कुछ क्वेश्चन किए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पैटर्न बच्चों में आगे क्वेश्चन किया है, इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हर्ट ग्रो अलाइव, यानी ऐसी कौन सी पैटर्न है जिस पैटर्न को, यानी समझो ये पैटर्न है जिसको हम बच्चे से ब्रेक करते हैं लाइन ग्रो करते हैं, तो भी मिरर में हमें वो दोनों पास सेम दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पैटर्न नंबर ए है, उसमें यदि हम लाइन ग्रो करते हैं तो क्या दोनों पार्ट सेम हो गए, ऐसे पैटर्न हमें लिखनी है। तो क्या ऐसी कौन सी पैटर्न है, चलो सब अपनी नोट टेक्स्ट बुक पर फोकस करो कि दोनों पैटर्न के पार्ट हमें सेम दिखाएंगे। तो पहले हैं ए फिर बी, जो जिसके बीच में हम लाइन करेंगे तो दोनों पार्ट्स सेम दिखाएंगे, फिर एच उसके बाद आई एंड जे। उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन दिया,
Now you go. Some new floor. यानी हमें फ्लोर के लिए नई पैटर्न बनानी है, तो हम अब सब अपनी नोटबुक में ये पैटर्न बनाएंगे। होमवर्क पे आप नोटबुक में पैटर्न बनाना, सब मैथ्स की नोटबुक में नई कोई भी पैटर्न। चलो अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4। हमारी नोट टेक्सटबुक में ये दोनों पिक्चर ईट के हमें ड्रॉ करके दिए, तो चलो उसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। यानी दीज आर टू फोटो ऑफ अ सम ब्रेक, ये दोनों पिक्चर्स हमें ईट के दिए हुए हैं। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस, उसमें से एक इंक ऐसी है जिसका हमें ओनली वन फेस दिखता है, तो वो कौन सी है? ये जिसका हमें वन फेस दिखता है। दूसरी, इन द अदर वी कैन सी देयर थ्री फेस, दूसरी है इसके थ्री फेस दिखते हैं। तो क्या अच्छा, अगर सर्कल का फोटो शोइंग थ्री फेस जिस ईट के दिखते हैं उस पर हमें सर्कल करना है, टेक्सटबुक में ऐसे हम उस पर सर्कल बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आगे, हाउ मेनी फेस इन ऑल डज अ ब्रेक हैव, यानी ईट के कितने फेस होते हैं? तो हम सब ने ईट तो देखी है, तो चलो बता सकते हो आप सब के कितने फेस होते हैं। जैसे कि ईट ऐसी होती है डस्टर को, यानी तुम ईट समझ लो, तो कितने फेस हैं? 1, उसके पीछे ब्रेक, 2, ऊपर 3, 4, 5 एंड 6, तो कितने फेस है? 6 फेस। चलो सेकंड क्वेश्चन, इज एनी फेस अ, क्या उसका कोई भी फेस स्क्वेयर यानी कंप्लीट चौरस में फेस स्क्वेयर में होता है? तो क्या तुम्हें उसका कोई भी, यानी हम उसे ईटी समझ लेते, कोई भी तुम्हें स्क्वायर में दिखता है? नो, सब कैसे होते हैं? रेक्टेंगल। आंसर में क्या होगा? नो। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3, ड्रो द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रेक, यानी ईट का छोटा सा भाग हमें ड्रॉ करना है, तो कैसा होगा? छोटा रेक्टेंगल होगा। अब आगे
बच्चों यहाँ पर हमें ब्रेक्स के कुछ फेसेस दिए हुए हैं, उनमें से कौन से फेस ब्रेक्स के हैं वो हमें टिक मार्क करने हैं। तो चलो पहले हम वो पिक्चर्स देखते हैं। Which of these are the face of a race? यानी ईट के फेस जैसे उसमें से जो भी ईट के फेस तुम्हें दिखते हैं उस पर तुम्हें टिक मार्क करना है। तो ऐसा ईट का फेस होता है, नहीं दूसरा ये ईट का बड़ा वाला फेस है तो हमें उस पर टिक मार्क करना है ऐसे। फिर ये स्क्वायर, स्क्वायर तो ईट में होता ही नहीं, ये सब ये छोटा वाला है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है, चलो वो सब बात है। मुनिया एंड जैनब दोनों खेल रहे थे एक दूसरे,
और उन दोनों ने क्या बनाया, एक वॉल यानी एक दीवार बनाई। दोनों की दीवार कैसी थी, डिफरेंट डिफरेंट। जैनब मुनिया दोनों ने ऐसी दीवार बनाई, यानी जैनब ने ये बनाई और मुनिया ने ये। फिर क्या, जैनब से हर वॉल विल नॉट फेल, इसीलिए जैनब ने क्या कहा कि मैंने जो वॉल बनाई यानी मैंने जो दीवार बनाई है वो आसानी से नहीं गिरेगी। मैं सच टू डू नॉट बट ब्रेक वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज डन। क्या जो भी मैसन यानी जो भी कड़िया जब भी काम करते तो तब कैसे दीवार बनाते हैं, ऐसे ऐसे मुनिया की तरह सीधी दीवार नहीं बनाते। तो चलो उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक which wall will be stronger, यानी आप सोच सकते हैं कि कौन सी दीवार ज्यादा स्ट्रांग होगी, मुनिया की या जैनब की। तो क्या होगा, which wall will be strong, बी विल बाय जैनब विल बी स्ट्रॉन्ग, यानी जैनब ने जो दीवार बनाई थी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन है, लुक फॉर walls where you can see different break pattern. यानी आपको भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दीवार बनानी है, आपको डिफरेंट पैटर्न अपनी नोटबुक में ही ड्रॉ कर देनी है। फिर आगे एक्सरसाइज दी हुई है दीवार के लिए, डिफरेंट वॉल पैटर्न, हर अ फोटो ऑफ थ्री काइंड ऑफ ब्रेक वॉल, कैन यू सी डिफरेंट इन द वे टू ब्रेक आर एज। यानी तुम्हें तीन दीवार के फोटो दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, तुम्हें वो दिखने, क्या तुम्हें उसमें डिफरेंट दिखाई देता है। फिर आगे, नाउ मेक द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्रॉइंग बिलो, और जो तुम्हें ऊपर तीन फोटो दिए हैं उसको नीचे ड्रॉइंग किए हुए फोटो से मैच करना है, जो आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू बच्चों।